हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने सीरीज इक्विवेलेंट, पैरेलल इक्विवेलेंट एंड मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और बैटरी के बारे में देखा था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस क्लास में, है ना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, आई मीन एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चंस क्या है, एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या है कि एक सर्किट है, देखो ये सर्किट, जो एक सर्किट है इसमें क्या है, इस स्विच यहाँ रखा गया है, स्विच यहाँ दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, दिया हुआ है कि कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर व्हेन द स्विच एस इज ओपन एंड क्या है क्लोज्ड। आपको क्या करना है कि इस 10 ओम रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, वही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है दो केस में। पहला केस क्या है कि स्विच एस जो है वो क्या है, ओपन है, और दूसरा केस क्या है, स्विच क्या है, क्लोज है। तो अभी देखो ये ओपन, यही हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या होगा, व्हेन स्विच एस इज क्या होगा, ओपन। तो जो ओपन हो जाएगा तो इधर से कुछ करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इधर से करंट यदि आई डैश है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई मीन ये क्या हुआ, व्हेन हमने मान लिया व्हेन स्विच इज क्या है, अब देखो जब स्विच ओपन होगा तो इधर से मान लिया कि हमने कि बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रहा है, आई, यही करंट ये क्या होगा 10 ओम रेजिस्टर के थ्रू भी जाएगा, यही करंट, सिंस स्विच इज ओपन तो इधर सर्किट है ही नहीं तो करंट इधर से फ्लो नहीं होगा, यही आई करंट क्या होगा 20 ओम रेजिस्टर के थ्रू भी जाएगा, फिर ऐसे। अब आप ध्यान से ऐसे सोच सकते हो कि क्या है कि 10 ओम और 20 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट क्या है, सेम है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो रेजिस्टर है वो क्या है, सीरीज में, क्या है, सीरीज में। एक मेथड तो ये भी हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आप आसानी से क्या कर सकते हो, किरचॉफ्स लॉ यूज कर सकते हो, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो रेजिस्टर होगा वो क्या होगा, दिस आई मीन 10 ओम एंड क्या होगा 20 ओम आर इन सीरीज। तो इनका आरएस से हम क्या करेंगे, इनके आर इक्विवेलेंट से हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा। तो अब हम सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। सर्किट जब आप यहाँ रीड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ये आरएस हो गया, दिस इज 3 वोल्ट बैटरी, 3 वोल्ट अब बैटरी है ना, और यहाँ से करंट जो सप्लाई हो रहा है क्या हो रहा है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि आई जो होगा वो क्या होगा 3 अपॉन क्या हो जाएगा आरएस, आई मीन कितना हो जाएगा 3 अपॉन 30, आई मीन 0.1 एम्पियर जो होगा वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा 0.1 एम्पियर आंसर हो जाएगा। दूसरे तरह से आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं सॉल्व करना है, सीरीज पैरेलल इक्विवेलेंट नहीं यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो मेथड टू मैं बता रहा हूँ, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, नितिन इसमें थोड़ा इंटर, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर ध्यान से, आपको किरचॉफ्स लॉ आना चाहिए, ये स्विच क्या है ओपन, आई मीन यहां से यदि करंट आई जा रहा है तो यही करंट ऑल रेजिस्टर से शुरू क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है, ये कितना है 10 ओम, ये कितना है 20 ओम। अब केवीएल लूप लॉ कंसीडर कर लो, लूप ऐसे कंसीडर कर लो, तो लूप लॉ जब यूज करोगे तो क्या होगा, देखो ये 3 वोल्ट है, तो यहां क्या लिख सकते हैं, कहीं से देखो ए बी ना नेमिंग कर दो सी डी ई, तो हम लिख सकते हैं अप्लाइंग लूप लॉ क्या होगा, देखो तो 3, क्यों हम बैटरी से ऐसे जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में हमने लूप, तो लो टू हाई जा रहे हैं तो +3, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो रेजिस्टर के क्रॉस -IR, तो कितना हो जाएगा -10I -20I इक्वल टू क्या होगा 0, तो I 30I इक्वल टू 3, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1। तो दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, और भी मेथड है
नोडल एनालिसिस भी है जिसको हम यूज करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हेन स्विच क्या होगा, क्लोज होगा, तो जब क्या होगा, बी में क्या है क्वेश्चन, आई मीन इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या दिया, व्हेन क्या होगा, व्हेन स्विच इज क्या होगा, क्लोज्ड। तो जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो देखो ये स्विच जब क्लोज हो जाएगा तो कुछ सर्किट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्किट। अब इसके अक्रॉस V इक्वल टू आई आर, तो V क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये अब क्या देखो, जैसे ही ये क्या होगा, स्विच क्लोज हो जाएगा, सॉरी ये थ्री, जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया तो करंट ऑलवेज क्या होता है, वैसे पाथ को फॉलो करता है जिसको, जिसके थ्रू रेजिस्टेंस क्या हो, कम। तो जितना करंट होगा ये क्या होगा, यहां से यदि हम आई करंट, आई बैटरी आई करंट सप्लाई कर रहा है तो 10 ओम के थ्रू भी क्या होगा, आई फ्लो होगा। लेकिन इधर करंट क्या हो जाएगा, जीरो चला जाएगा, इधर आई करंट चला जाएगा। आई मीन सिंपल क्या है कि ये यदि क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह क्या होगा, बिहेव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो V इक्वल टू क्या होगा, आई आर, ये V जीरो हो गया तो आई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसको क्या कर सकते हैं, करंट आई मीन क्या कर सकते हैं, हम उसको शॉर्ट सर्किट से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे सर्किट ऐसे हो जाएगा, सिंबल आप ऐसे भी दिखाओ और नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, थ्री अपॉन क्या लिख सकते हैं, टेन, आई मीन क्या हो जाएगा, पॉइंट थ्री। ये समझ में आया, V इक्वल टू आई आर, V क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ऑब्वियसली R तो जीरो नहीं होगा, तो I को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, I जीरो होगा, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह, जब I जीरो हो जाएगा तो सॉरी हमने गलत बोल दिया, शॉर्ट सर्किट की तरह नहीं बिहेव करेगा, ये क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह क्या होगा, बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि V क्या हो गया, जीरो, तो आई क्या होगा, जीरो होगा, और आई जीरो तभी हो सकता है जब आर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह क्या होगा, बिहेव करेगा, टोटल करंट जो होगा इधर से पास हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आई इक्वल टू क्या हो गया, 0.3 एम्पियर करंट हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन है, एचसी वर्मा का ही क्वेश्चन है, आप देखेंगे, देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 33 है। इसमें सर्किट दिया हुआ है, क्या है, 4 4 6 4, आई मीन फोर सिक्स फोर और 6 ओम, ये क्या है 4 ओम, और इधर एक रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा, एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, ये क्या है, ये भी क्या है 4। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द करंट थ्रू 3 रेजिस्टर्स, क्या है एस वन, इधर यहां फाइंड करंट थ्रू 3 रेजिस्टर्स shown in the figure. अब देखो सोचो ये क्या है, एचसी वर्मा का 33 नंबर क्वेश्चन, ये आपको क्या है, जो ईएमएफ इस बैटरी का दिया हुआ है 4 वोल्ट है और ये क्या है 2 वोल्ट है, इसको कैसे ट्राई करेंगे, आप बता सकते हो कि इसको कैसे हम ट्राई करेंगे। अब देखो हमेशा याद रखना, देखो अब आप इसके बारे में देखो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इससे करंट जो 4 ओम रेजिस्टर है उस रेजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो इसके थ्रू कुछ करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि करंट ऑलवेज मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो देखो इधर क्या है, रेजिस्टेंस जीरो है और इधर रेजिस्टेंस का क्या है 4 वोल्ट, इधर से जो करंट जाएगा वो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इधर से आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो करंट यहां से जाएगा, आई मीन जो करंट ऐसे जाएगा, मान लो कि आई करंट जा रहा है यहां से बैटरी
ये आई करंट सप्लाई कर रहा है, तो ये वाला जो करंट आई होगा वो ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने फोर वोल्ट वाले पोलरिटी से ही क्यों करंट सप्लाई किया, इधर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अलवेज याद रखना है कि वेन एवर मोर देन वन सेल्स आर कनेक्टेड देन अलवेज कंसीडर द करंट सप्लाई बाय द सेल विच हैव लार्जर ईएमएफ। जिस सेल का ईएमएफ लार्जर होगा वो सोर्स की तरह क्या होगा, बिहेव करेगा, क्या करेगा, सोर्स की तरह बिहेव करेगा। आई मीन उसी को सोर्स करंट सोर्स हम कंसीडर करेंगे, ऐसा एक रूल होता है, अदरवाइज हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब देखो यहां देखोगे ये वाला जो करंट, ये जो बैटरी है वो करंट किधर सप्लाई करेगा, इधर, और एक 4 वोल्ट जो सेल है वो करंट किधर सप्लाई करेगा, इधर। दोनों करंट क्या है, आई मीन सीरीज अपोजिशन में है। तो यदि मैं नेट ईएमएफ लिखूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं 4 माइनस क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। एक तो मेथड ये भी हुआ कि हम डायरेक्ट क्या कर दें कि इक्विवेलेंट ईएमएफ से रिप्लेस कर दें। इक्विवेलेंट ईएमएफ से जब आप रिप्लेस करोगे तो देखो ये सर्किट कैसे हो जाएगा, इधर करंट जीरो हो जाएगा, तो सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। देखो तो ये क्या हुआ, 4 वोल्ट इधर और 2 वोल्ट इधर, तो कितना हो जाएगा। कल के क्लास में मैंने बताया था कि सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल्स कैसे कैलकुलेट, तो 4 माइनस क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो और पोलैरिटी किसका कंसीडर करेंगे, जो वैसा सेल जिसका ईएमएफ क्या होगा, लार्जर होगा। तो यहां पोलैरिटी किसका, हम 4 वोल्ट वाले का कंसीडर करेंगे। अब डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा 2 है, इक्विवेलेंट हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। यहां भी करंट आई, यहां भी करंट क्या होगा आई। अब तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये और ये क्या है, सीरीज में है। देखो यहां से बोल सकते हो कि 4 ओम और 6 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट क्या होगा, सेम फ्लो होगा, व्हाइल दिस 4 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट क्या होगा, जीरो होगा, उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, करंट ऑलवेज टेक द पाथ विच ऑफर मिनिमम रेसिस्टेंस। यहां तो यार रेसिस्टेंस जीरो ही है, इधर से तो ये बोला कि नहीं मैं आसानी से इसी रास्ते से चला जाऊं, यार इस रास्ते में तो बहुत भीड़ है ना, इधर तो बहुत जगह रुकना भी पड़ेगा, तो बेटर क्या है इसी रास्ते से क्या है मैं निकल जाऊं, तो करंट इधर से फ्लो हो जाएगा। यहां से तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यार देखो ये और ये क्या है, सीरीज में है, तो हम इनका सीरीज इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, क्या होगा 2 वोल्ट, सीरीज इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अगेन 10 ओम, करंट क्या होगा आई, तो यहां अगेन आई इक्वल टू क्या होगा 2/10, आई मीन क्या होगा 0.2 एम्पीयर। एक मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, किरचॉफ लूप लॉ यूज करो। तो लूप लॉ यूज करके क्या यूज करोगे, आई मीन बाय यूजिंग केवीएल, केवीएल यूज करोगे, तो हमने क्या किया, लूप ऐसे कंसीडर कर लिया यार, अगेन करंट के डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया, तो हम कैसे सोचेंगे इसको, देखो लूप लॉ यूज करो, अगेन क्या है यही, आप यहां लूप लॉ यूज करोगे तो देखो क्या होगा, कहीं से चलो इसको लिख देते हैं ए बी सी डी और ये क्या हुआ ई, तो हम लिख सकते हैं अप्लाइंग अगेन बाय यूजिंग क्या होगा, यूजिंग केवीएल, देखो कहां से चले ऐसे, केवीएल इन क्लोज लूप, क्लोज लूप ए बी सी डी ई ए। अब कहां से चल रहा है, ए से चल रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, माइनस आई एम, करंट के डायरेक्शन में while going in the direction of current potential drop या change in potential across resistor is considered as positive, क्योंकि हम यहां क्या potential ले रहे हैं, change का मतलब क्या हुआ, final minus initial, क्या होता है final minus initial, तो हम क्या लिखेंगे minus 4 I, again हम current के direction में जा रहे हैं तो 6 ohm के through क्या होगा potential, change in potential क्या होगा, negative होगा, तो minus 6 I। यहां देखो हम हाई टर्मिनल टू लो टर्मिनल जा रहे हैं तो चेंज क्या होगा, माइनस ईएमएफ माइनस ई, तो माइनस 2। इस बैटरी को क्रॉस करने वक्त हम क्या कर रहे हैं, करंट के डायरेक्ट आई मीन लो टू हाई जा रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो यहां भी देखो माइनस 10 आई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 2/10, आई मीन क्या हुआ 0.2 एम्पियर, क्या हुआ 0.2 एम्पियर आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं हम, कुछ जो ईएमएफ से रिलेटेड है उसके बारे में हम देखेंगे, है ना।
इसके बाद इसको देखो, अब यहां हम आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 33 पे, क्वेश्चन नंबर 36 में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं एक आप लोगों को बताऊंगा। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, इसको दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्या है, E1, E2, EMF दिया हुआ है, इसका जो रेजिस्टेंस दिया है क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2 और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो R3 दिया हुआ है, R3। ये फिगर ए, फिगर बी जो है वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, फिगर बी को भी आप खुद से ही ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसमें फिगर ए में आप पहले फिगर ए सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखो, ये क्या दिया हुआ है ए और दूसरा क्या दिया हुआ है बी। आपको क्या करना है, फाइंड वी ए माइनस वी बी, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आप देखो इसको दो तरह से सॉल्व कर, एक तो केवीएल यूज करके और दूसरा क्या है, सीरीज और पैरेलल इक्विवेलेंट ईएमएफ यूज करके, उसका भी सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज करके आपको क्या करना है, वी ए माइनस क्या करना है, वी बी कैलकुलेट करना है। क्या करना है, यहाँ और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर R3, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो सिंपल पहले किरचॉफ्स लॉ यूज करके हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। अब देखो ध्यान से, यहां पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए, दैट इज यहां लिख लेना वी ए माइनस क्या है, बी बी, ठीक है। अब पहले देखो तो ए और ए बैटरी जो है वो क्या है, पैरेलल में है क्या, ये देखो तो E1 और E2 पैरेलल में है क्या, तो हम क्या कर सकते हैं, मेथड फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों बैटरी को इनके इक्विवेलेंट एक सिंगल बैटरी से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, जिसका ईएमएफ ईपी होगा। तो हम ऐसे लिख देते हैं, हमने क्या किया, सर्किट को ये दोनों सेल्स है वो क्या है, पैरेलल में है, तो हमने एक सिंगल सेल को से रिप्लेस कर दिया, जिसका ईएमएफ क्या होगा, ईपी होगा, क्या होगा, ईपी होगा, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आरपी होगा, क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आरपी होगा, है ना। यही पॉइंट क्या हुआ ए, एंड दिस इज पॉइंट क्या हुआ बी, ये क्या है R3, आरपी आप जानते हैं, आरपी क्या होगा, R1 R2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, और ईपी का ईपी कितना होगा, ईपी मैं यहां लिख देता हूं, आप लोगों को बताया भी था, ईपी इक्वल टू क्या होगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इंटू क्या होगा, आरपी। ये बताया था रिजल्ट कि जब भी क्या होगा, व्हेन एवर बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन वी कैन रिप्लेस All batteries by a single batteries whose EMF is equal to EP and whose internal resistance is equal to RP, where RP is equal to R1 R2 upon R1 plus R2 and EP is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 into EP। यहाँ से value रख दोगे तो आपको, यहाँ से जब value रखोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, E1 R2 plus E2 R1 upon क्या हो जाएगा, R1 plus R2, तो EP मिल गया। अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पहले तो करंट कैलकुलेट कर, तो देखो ये करंट कितना होगा, अब देखो R3 और RP क्या है, सीरीज में है, तो हम आसानी से यहां लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्या हो सकता है, EP अपॉन R3 प्लस क्या होगा, RP। करंट मालूम चल गया,
करंट I इक्वल टू क्या होगा, EP अपॉन R3 प्लस RP। अब EMF क्या होगा, आई मीन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्या होगा, AB, A एंड B कितना होगा, देखो तो VA यहां लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू क्या होगा, I इंटू क्या लिख सकते हैं R3, यही होगा ना यार। देखो ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। अब अपने को क्या करना है, केवल वैल्यू लिख देना है, है ना। तो I का वैल्यू अपने को मालूम है, देखो EP ठीक है इंटू R3 अपॉन क्या हुआ, R3 प्लस RP हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, देखो तो EP का वैल्यू रखो, देखो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 ठीक है, और इनटू हमने क्या लिखा R3 डिवाइडेड बाय क्या होगा R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आंसर आ जाएगा, क्या होगा आंसर आ जाएगा। देखो इसका आंसर कितना आएगा, आप खुद से सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक तो मेथड ये था कि पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ ईएमएफ हम क्या करें, लिख दें और डायरेक्ट आंसर लिख दें। तो इसका आंसर कितना होगा, देखो तो R3 इंटू क्या होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, देखो ये R1 और R1 प्लस R2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ R3 इंटू क्या हुआ R1 प्लस R2 प्लस R1 R2, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 36 का। देखो इसमें अरेंज करके दिया हुआ है E1, ठीक है E1 अपॉन R1 के टर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये कितना होगा, यही क्या हुआ आंसर हो गया, है ना, क्या हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया। उसमें क्या किया है, इसमें जो इसमें क्या किया है, R1 R2 से क्या किया है, ऊपर नीचे क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, तो उसका आंसर क्या होगा, थोड़ा अलग आएगा, तो ये क्या हुआ आंसर। सेकंड मेथड से आप बोलोगे, सेकंड मेथड से हम किरचॉफ्स लॉ यूज करके क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड से देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक तो हुआ कि क्या है, आपको दो बैटरी का पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद कर जाना चाहिए, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 ठीक है। अब देखो जब क्या है, दोनों का हायर पोलैरिटी एक तरफ है तो हम प्लस यूज करेंगे, यदि दोनों का हायर पोलैरिटी क्या है दूसरी तरफ है तो हम क्या यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे। दूसरे मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आओ देखते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ दो बैटरीज है या दो सेल है, तो इससे करंट हमने I1 मान लिया, ऑफ कोर्स इससे करंट क्या है I2 मान लिया, ठीक है। अब देखो यहां जब ये करंट आएंगे तो इधर करंट कितना फ्लो होगा, I1 प्लस क्या हो जाएगा I2, यही करंट फ्लो होगा ना। अब दो लूप कंसीडर करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दो लूप देखो तो दो लूप बनेगा क्या, दो लूप या सिंगल लूप भी हम कंसीडर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें तीन लूप बनेगा, लेकिन मैंने उस दिन बताया था कि नंबर ऑफ लूप मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ लूप कंसीडर्ड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अनोन, यहाँ अनोन कितने हैं, I1 एंड क्या है I2 है। अब देखो VAB इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 इंटू क्या होगा R3, यदि I1 I2 का वैल्यू मालूम चल जाएगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, VAB लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, बाई यूजिंग M2। सेकेंड मेथड भी है, नोडल एनालिसिस मेथड, उसको भी बाई एम टू बाई यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। अब देखो लूप हम कंसीडर कर लेते हैं, एक लूप देखो क्या होगा, इसको नंबरिंग मैं लिख देता हूँ, देखो ये क्या होगा लूप, मैंने 1 मान लिया लूप 1, और इसको मैंने मान लिया क्या है लूप 2 ठीक है। तो देखो मैं कंसीडर कर रहा हूँ लूप 1
देखो वन में आप कहीं से चलो, किधर से भी एक जगह चलो, मैं यहां से चल रहा हूं बैटरी से यहां से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा E2। देखो करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, माइनस आई आर, तो माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू क्या हो जाएगा आर थ्री, ठीक है। इधर जब जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस आई वन आर टू इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा कि E2 इज इक्वल टू क्या हो गया I1 प्लस I2 R3 प्लस I1 R2, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई करो तो E2 इक्वल टू क्या होगा I1 इंटू क्या होगा R1 प्लस आई मीन R2 प्लस R3 प्लस I2 R3, एक रिलेशन मिल गया। अब नाउ एक इसको इक्वेशन हम वन लिख देते हैं, इक्वेशन नाउ कंसीडर लूप क्या होगा लूप टू। अगेन देखो इधर हम क्या कर रहे हैं, करंट के अब अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा हूं, ठीक है। तो कहां से चले, ए से चल रहे हैं, तो देखो तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू क्या हो जाएगा आर थ्री। देखो इधर क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, आर थ्री में हम क्या है करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में चेंज इन पोटेंशियल माइनस आई आर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री। इधर भी क्या है, आर वन में भी हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं यार, ऐसे लूप है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस आई आई मीन आई वन आर वन प्लस ई वन इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, तो ई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या होगा आई वन इंटू क्या होगा आर वन प्लस आर थ्री प्लस आई वन आर थ्री, ये दो इक्वेशन हुआ। अब आप क्या करोगे, दोनों को सॉल्व क्या है आप खुद से ट्राई कर लेना, सॉल्व बोथ इक्वेशन बाय यूजिंग क्या होगा बाय यूजिंग बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या होगा सेकेंड, फाइंड फाइंड आई वन एंड आई टू एंड क्या होगा एंड यूज एंड क्या हो जाएगा वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा आई वन प्लस आई टू इंटू क्या हो जाएगा आर थ्री। तो ये क्वेश्चन को हम दो तीन तरह से हम सोच सकते हैं, नोडल एनालिसिस मेथड भी है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं आसानी से प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बी का जो है बी का भी आंसर सेम ही होगा, तो बी आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसको हम देखते हैं, ये क्वेश्चन कितना है 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन नंबर 37 एचसीबी का ही है, इसमें दिया हुआ है देखो ये पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट क्या है बी, ठीक है। यहां दिया हुआ है इसका ईएमएफ ई वन आर वन ई टू आर टू इंटरनल रेजिस्टेंस अगेन ई थ्री आर थ्री, ठीक है। और दिया क्या है आपको फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो क्या है पहले लिख देते हैं, यहां दिया हुआ है कि आर वन इक्वल टू क्या दिया हुआ है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 1 ओम दिया हुआ है, ये गिवन है, मैं शॉर्ट कोड में लिख देता हूँ, है ना। और E1 इक्वल टू दिया हुआ है 3 वोल्ट, E2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट एंड E1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 वोल्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आपको क्या करना है फाइंड वी ए माइनस वी बी एंड करेंट थ्रू ईच ब्रांच, करेंट थ्रू ईच ब्रांच। अब इसको भी क्या कर सकते हो, तुम दो तरह से सोच सकते हो, देखो यहां ध्यान से देखना तीनों जो बैटरी है वो क्या है पैरेलल में है, क्या है तीनों बैटरी जो है वो क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या है तीनों बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है।
अब देखो इसमें क्या है, पहले तो आप डायरेक्ट पैरेलल का फॉर्मूला लिख दो। तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप में देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी आ जाएगा एक स्टेप में। तो मेथड क्या है, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द क्या होगा ऑफ द ठीक है। अब देखो क्या है, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं, अब देखो तीन सेल्स हैं तो ईपी का फॉर्मूला क्या होता है, ईपी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहां मैं लिख रहा हूं। अब इसको क्या करेंगे हम, एक सिंगल बैटरी से क्या करेंगे, रिप्लेस कर, यही क्या हुआ ए और ये क्या हुआ बी हो गया, ये ईपी हो गया एंड दिस इज नथिंग बट द आरपी ठीक है, आरपी। अब देखो यहां क्या लिखेंगे, ये मेथड फर्स्ट हुआ तो ईपी इज इक्वल टू क्या होगा, ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू प्लस ई थ्री अपॉन आर थ्री इंटू आरपी। देखो आर वन आर टू आर थ्री क्या है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री अपॉन आर, और आर पी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आर बाई क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री अपॉन क्या हो जाएगा, थ्री। देखो एक स्टेप में आ गया, एक स्टेप में आंसर आ गया ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री बाई थ्री। अब क्या करो, एड कर दो सबका ई एम एफ दिया हुआ है यार, कितना दिया हुआ है ई एम एफ, कितना दिया हुआ है, अब वैल्यू रख दो तो ep इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 बाय 3 इक्वल टू 2 वोल्ट, और rp तो आपको मालूम ही है कितना हुआ, r बाय 3 आई मीन कितना हो जाएगा 1 बाय 3। तो एक स्टेप में ही आंसर आ गया कि इनके बीच आई मीन vab कितना होगा। अब देखो यहां सिंगल बैटरी में इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा यार, क्या होगा, यदि क्या होगा बैटरी के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन या टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा ईएमएफ ऑफ द सेल। व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू इक्विवेलेंट बैटरी देन द टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल टू क्या होगा ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो यहां हम बोल सकते हैं कि वीएबी क्या होगा, वीएबी इज इक्वल टू क्या होगा ईपी। तो फर्स्ट पार्ट आसानी से सॉल्व हो गया, क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट आसानी से सॉल्व हो गया। अब आप बोलो कि सर करंट हर ब्रांच में कैलकुलेट करना है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या है करंट हर ब्रांच में अपने को कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट पार्ट देखो आसानी से सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में हम सेकंड मेथड में क्या करते हैं, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, जो मैं आपको देखो बता रहा हूं अगेन। तो यहां क्या है, दूसरा जो मेथड है उसको हम कैसे यूज करेंगे, इसको खुद से ट्राई करना है, है ना, आप खुद से ट्राई करना है इसको। देखो क्या है, बाय यूजिंग मेथड टू, बाय यूजिंग क्या होगा कि किरचॉफ्स लॉ, तीसरा मेथड भी है नोडल एनालिसिस भी मैं बता देता हूं अभी। तो देखो यहां क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ, ये आपको ई1 ई2 किसी को कंसीडर कर लो यार, ई1 ई2 ई3 है ना, ये कितना दिया हुआ है ई1 3 वोल्ट, ई2 कितना दिया हुआ है ई2 2 वोल्ट दिया हुआ है 2 वोल्ट, और ई3 कितना दिया हुआ है 1 वोल्ट दिया हुआ है, ये कितना है 1 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, और यही क्या है पॉइंट ए है और ये क्या है पॉइंट बी है। अब देखो यहाँ क्या है, अब हम कैसे सोचेंगे, देखो ध्यान से, हम मान लेते हैं कि इसमें किस सेल का ईएमएफ सबसे ज्यादा है, किस सेल का है, तो देखो ई1 का ईएमएफ कितना दिया हुआ है 3 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसी से हम इसको सोर्स की तरह कंसीडर कर लेते हैं, कुछ भी तुम कंसीडर करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने मान लिया कि इससे करंट क्या हो रहा है, आई आ रहा है, तो यहां भी क्या होगा आई करंट आएगा। जब देखो यहां जब करंट आएगा इस नोड पे, ये नोड पे है ना, तो इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता ये होगा और एक रास्ता क्या होगा, ये होगा, तो इधर क्या होगा करंट को चला जाएगा,
ये क्या हुआ आई वन और इधर करंट क्या हो गया आई टू। अगेन मैं नेमिंग कर दूं, देखो ए बी आई मीन ए तो दिया हुआ है यहाँ ए, इसको पी यहाँ लिख देता हूँ क्यू, ठीक है, और ये बी हुआ ए, और यहाँ क्या लिख देता हूँ आर एंड एस जस्ट लूप के लिए। अब यहाँ भी क्या है देखो तीन लूप बनेंगे, हम क्या करेंगे तीनों लूप क्या करेंगे कंसीडर कर लेंगे, है ना, तीन लूप दिया तीन लूप बनेंगे। देखो एक एक कौन सा लूप बनेगा ए, देखो ध्यान से ए पी क्यू बी ए एक लूप ये बनेगा, दूसरा लूप क्या होगा ए आर एस बी ए, तीसरा लूप क्या बनेगा पी क्यू एस आर पी। लेकिन अपने को क्या चाहिए मिनिमम कितने लूप चाहिए दो ही, क्यों, क्योंकि दो अनोन है आई वन आई टू। अब यहां से देखो इस मेथड से क्या होगा करंट भी निकल जाएगा। दूसरा मेथड करंट निकालने के लिए है, मान लो कि मुझे इसमें करंट निकालना है तो हम क्या करें इसको और इसको इक्विवेलेंट पैरेलल इक्विवेलेंट सेल से हम क्या करें रिप्लेस कर दें, आसानी से करंट निकल जाएगा। फिर यदि इसमें निकालना है तो जिसमें करंट निकालना है जिस सेल के थ्रू या जिस सर्किट के थ्रू उसको छोड़ करके रिमेनिंग दो को हम क्या करेंगे पैरेलल से रिप्लेस कर सकते हैं और आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं एक ही मेथड बता रहा हूँ तो खुद से तुम लोग ट्राई कर लेना। तो यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ क्या KVL, तो कंसीडर मैं लिखता हूँ कंसीडर क्या है कंसीडर लूप ए पी क्यू ए, देखो कैसे लूप है ऐसे ध्यान देना है इधर से चलते हैं ए पी क्यू ए ए टू पी क्यू ए आई मीन ए टू पी क्यू फिर बी ए सॉरी यहाँ बी ए होना चाहिए पी क्यू बी ए, ठीक है। अब देखो कहाँ से चल रहे हैं हम ए से चल रहे हैं ए आई मीन पी से, तो देखो तो इसके क्रॉस अब देखो इस वन ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट जो करंट के डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा पॉजिटिव होगा, कितना हो जाएगा प्लस आई आर ओ वन ओम है तो लिखना जरूरी है नहीं है। बैटरी को देखो हाई टू लो जा रहा है तो माइनस माइनस क्या लिखेंगे थ्री, यहाँ देखो इस बैटरी को लो टू हाई क्रॉस करने वक्त लो टू हाई जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा प्लस टू, इधर देखो इधर क्या होगा इधर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा प्लस आई वन आर वन, तो ये क्या हो जाएगा प्लस आई वन इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया। तो देखो यहाँ से आई प्लस आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, एक इक्वेशन मिल गया तुमको। और हम जानते हैं यहाँ नोड नोड लॉ यूज करोगे तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई वन प्लस क्या लिख सकते हैं आई टू भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हो क्या लिख सकते हो टू आई वन प्लस आई टू इक्वल टू क्या होगा वन, इक्वेशन सेकेंड हो गया, एक रिजल्ट मालूम चल गया तुमको। अब हम आते हैं लूप दूसरा कंसीडर कर रहे हैं कंसीडर लूप क्या है ए अगेन ए बी एस आर ए आई मीन देखो ए बी एस आर ए ये वाला लूप कंसीडर कर रहा हूं। अब क्या करना है करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर ऑलवेज निगेटिव होगा, तो देखो तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा क्या करना है सभी एलिमेंट्स के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो और उसको जीरो कर दो लूप में क्लोज लूप में, तो क्या होगा माइनस माइनस आई वन, ठीक है, इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा माइनस क्योंकि हाई टर्मिनल टू लो टर्मिनल जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा माइनस टू, इधर क्या हो जाएगा हाइट लो टू हाई तो क्या हो जाएगा प्लस वन, और इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां क्या हो जाएगा प्लस आई टू, क्या हो जाएगा प्लस आई टू, इधर करंट आई टू जा रहा है तो लिखेंगे प्लस आई टू इक्वल टू क्या हो गया जीरो, तो यहां भी देखो यहां क्या हुआ आई टू माइनस आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। अब देखो दो इक्वेशन दो अनोन मिल गया, अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या करो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो यार, अब दोनों को क्या करो तुम ऐड कर दो, सो एडिंग क्या होगा एडिंग फर्स्ट एंड क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करोगे तो देखो ए और ए क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा थ्री आई थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री आई थ्री इक्वल टू थ्री आई टू,
तो आई टू इक्वल टू क्या हुआ, 1 एम्पियर हो गया। आई टू 1 एम्पियर हो गया तो आई वन कितना होगा? देखो यहां ध्यान से, आई वन कितना होगा, आई टू यदि 1 एम्पियर हो गया तो आई वन कितना होगा, 0 हो जाएगा। देख लो ध्यान से, देखो यहां ध्यान से, किसी एक इक्वेशन में, चलो हम क्या कर रहे हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आई टू का वैल्यू इसमें रख रहे हैं, किसमें, इधर, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकेंड। तो देखो तो कितना हो जाएगा, 2 i1 + 1 = क्या हो जाएगा, 1 = 1, 1 कैंसिल हो गया, तो i1 = क्या हो गया, 0 हो गया। i1 0 हो गया यार, अब i1 0 हो जाएगा तो इसके थ्रू कितना करंट जाएगा, इसके थ्रू i1 0 हो गया तो i2 = क्या हो जाएगा, i2 = क्या हुआ, 1 एम्पियर। ठीक है, अब तीनों ब्रांच में करंट भी आपने को मालूम चल गया, क्या हुआ कि मिडल ब्रांच में जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें देख लेना आप आंसर, है ना, क्या हो जाएगा, मिडल ब्रांच में जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। हाँ, मिडल ब्रांच में जो करंट होगा वो क्या होगा, आई मीन आई टू इसमें दिया हुआ है, क्या उन्होंने क्या कंसीडर किया है, 37 इसमें आई टू, ठीक है, आई टू 0 है ना, आई टू क्या है, 0 दिया हुआ है, और आई वन क्या है, अब देखो इसमें, उसमें आंसर क्या दिया हुआ है, आई मीन इसका जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया हुआ है, तुम्हारा क्या दिया हुआ होगा, उसमें माइनस करंट दिया हुआ होगा, इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो माइनस, आई मीन यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, माइनस 1 एम्पियर दिया हुआ है। माइनस का मतलब क्या हुआ कि जब ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो इन्होंने माना होगा कि ये जो बैटरी है वो करंट सप्लाई कर रहा है, तो माइनस से कन्फ्यूजन नहीं होना है, समझ में आया ना, ये मत समझना कि आंसर उसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आई टू इक्वल टू आई वन इक्वल टू क्या होगा, 1 एम्पियर हो गया। अब तो आप आसानी से बता सकते हो कि वी ए बी कितना होगा, देखो तो वी ए बी इक्वल टू क्या होगा, वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो इसके अक्रॉस करंट 0 हो गया, अब यही शेल कंसीडर कर लो यार, एक कोई, तो इसके अक्रॉस क्या होगा, करंट 0 हो गया, तो सिंपल क्या हो जाएगा, वी ए बी इक्वल टू, ये तो इसका काम ही नहीं है यार, है ना, करंट 0 हो गया तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 2 वोल्ट हो जाएगा, तो VAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू। तो आप इस मेथड से भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि आप क्या करोगे, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और भी देखो इसमें दिया हुआ है, जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, और आप खुद से भी ट्राई कर लेना, 43 नंबर जो क्वेश्चंस होगा अब हम क्या करेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप खुद से इसको ट्राई करना, देखो मैं होमवर्क देता हूँ, तुम लोग खुद से इसको ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर क्या है, HW, इसको खुद से ट्राई करना, हो जाएगा। HW में क्या है कि एक और क्वेश्चन जो है मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 20, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, इसके बाद आप सॉल्व कर लेना क्या, 38, 39, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 38, 39, है ना, 39, उसके बाद 43, क्वेश्चन नंबर क्या है, 43। तो आप इतने क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आप इक्विवेलेंट ईएमएफ का कॉन्सेप्ट यूज करके आप क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो दोनों मेथड्स। ये होमवर्क है, आप इसको ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, लेकिन आ जाएगा आप आइदर किरचॉफ लॉ यूज करना और क्या करना, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सेल का कॉन्सेप्ट यूज करके
आसानी से क्या कर सकते हो, इस सर्किट को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, है ना। क्या है इसमें 20 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है ना। उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मान लो कि लोड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है और एन नंबर ऑफ सेल्स दिए हुए हैं जिनका ईएमएफ क्या है, इक्वल है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल है। तो आपको यदि आर का वैल्यू दिया हुआ है तो आपसे पूछा जाए कि आपको मैक्सिमम करंट विथड्रॉ करने के लिए, है ना, उसको किस तरह कनेक्ट करोगे, सीरीज में कनेक्ट करोगे या पैरेलल में कनेक्ट करोगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। 45 मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज करंट मेजर के लिए। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ, दो इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू मेजर करंट वोल्टेज, करंट पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज रेसिस्टेंस, दैट्स इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली अपने को क्या पढ़ना है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को डिटेल हम क्या कहाँ पढ़ेंगे, जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेंगे गैल्वेनोमीटर में होता क्या है। गैल्वेनोमीटर इसका यूज क्या है, एमीटर की तरह भी यूज करते हैं और वोल्ट मीटर की तरह भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर करंट थ्रू द सर्किट एज वेल एज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इन अ सर्किट। उसी तरह क्या है एमीटर, एमीटर का काम क्या है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं कि एमीटर का काम क्या होता है, कि किसी भी सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं। एमीटर इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट या थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो एमीटर का यूज हम करंट मेजर करने के लिए करते हैं। वोल्ट मीटर का जो यूज है वो क्या है, इट इज यूज टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। वोल्ट मीटर का यूज हम किसके लिए करते हैं, किसी भी सर्किट में दो पॉइंट के बीच यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। उसके बाद मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज का काम क्या होता है, कि अनोन रेसिस्टेंस, मीटर ब्रिज और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बेसिकली मीटर ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का यूज क्या होता है, अनोन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए भी क्या किया जाता है। और पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का जो यूज होता है, पोटेंशियोमीटर जो होता है वो आइडियल वोल्टमीटर की तरह बिहेव करता है। इट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स एज वेल एज इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स विच आर कनेक्टेड इन द सीरीज कनेक्टेड इन द सर्किट। पहला क्या है इसका, आइडियल वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करता है, एक्यूरेट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच मेजर करता है। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है, इट इज यूज टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, स्मॉल आर का वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसको यूज, उसके लिए इसका यूज करते हैं। तीसरा जो है, इफ यू वांट टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स, टू गिवन सेल्स, देन वी यूज पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, वही कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं यहां भी यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक मीटर बॉक्स भी होता है जिसको पढ़ना उतना नहीं है तो हम उसके बारे में नहीं देखेंगे, है ना। तो जनरली क्या है, हम वन बाई वन क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे। जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ लेंगे, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, व्हेनेवर करंट फ्लोइंग थ्रू एनी सर्किट, क्या होगा उसके थ्रू, क्या होगा सर्किट में, क्या होगा हीट एनर्जी जो होगा हीट के फॉर्म में डिसिपेटेड होगा, डिसिपेट होगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर। अभी इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल पे मैं नहीं जा रहा हूँ, सिंपल हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ये तब आपको समझ में आएगा जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ जाएंगे, टॉर्क वगैरह के बारे में पढ़ जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं इस एक किस तरह काम करता है। गैल्वेनोमीटर भी
कई तरह के होते हैं, वहां मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी क्या है गैल्वेनोमीटर क्या होता है और इसका सिंबल क्या है, ठीक है। तो देखो गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल होता है वो ऐसे इसे इस तरह डिनोट करते हैं जी, एक सर्कल ड्रॉ करके उसके अंदर जी क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जी क्या है, जी इज, जी यहां लिख देता हूं, सिंबल ऑफ किसका है, दिस इज सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर, जी इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, एक नीडल होता है, आप शायद एक्सपेरिमेंट करेंगे या किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि जब भी क्या होगा, व्हेन एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द नीडल, यदि नीडल में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, यदि डिफ्लेक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया तो क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी क्या होगा, जीरो, आई मीन जीरो डिफ्लेक्शन इन द नीडल सो दैट देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो यहां और एक क्या हुआ जी, इधर जो होता है एक आईजी टर्म होता है, क्या होता है आईजी, आई मीन ये क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन, आई मीन मैक्सिमम करंट हम इसको बोल सकते हैं, क्या होगा, तो आईजी जो होगा यहां मैं लिख देता हूं, आईजी इज नथिंग बट द क्या होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन करंट। तो ये क्या हुआ, यही क्या हुआ गैल्वेनोमीटर का क्या है, सिंबल होता है, क्या है सिंबल, आईजी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है ना, और जी क्या है, जी जो है वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब कुछ पॉइंट इसमें लिख लेना है, क्या है, तो हम यहां पहले लिख देते हैं यहां की गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच आर यूज टू मेजर करंट एज वेल एज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, क्या होगा, विच आर यूज, तो हम लिख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर, या आप लिख लेना कि गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां एक पॉइंट और लिखना है, क्या लिखना है कि नोट में लिख लेना है कि इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन, क्या होगा, इफ नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन द क्या होगा, इन द गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन यहां शायद हमने गलत लिख दिया है ना, डिफ्लेक्शन है ना, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर देन करंट थ्रू द क्या होगा, थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी क्या होगा, विल बी नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन आई मीन जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि गैल्वेनोमीटर, देखो आप बोलोगे गैल्वेनोमीटर, देखो ऐसे आप गैल्वेनोमीटर को जब आप ऐसे यूज करोगे तो क्या होता है, इसका जो रीडिंग होता है बहुत ही स्मॉल होता है, आई मीन यदि करंट मेजर करेगा तो क्या करेगा, नैनो एम्पियर और मिली एम्पियर, सॉरी माइक्रो एम्पियर में करंट को मेजर करता है। तो इफ यू वांट टू मेजर मोर एंड मोर करंट इन द सर्किट तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि जब आपको स्मॉलर करंट मेजर करना रहता है तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन लार्जर करंट आई मीन मिली एम्पियर में मेजर करना है करंट को तो आप क्या करोगे, इसको एमीटर में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन इसमें करते हैं जो आगे हम देखेंगे। तो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू क्या होगा, मेजर करंट
current in the circuit as well as potential difference between two points in the circuit. ठीक है, उसके बाद क्या है, एक इसका ड्रॉबैक जो है क्या है कि इट मेजर वेरी स्मॉल करंट एज वेल एज वोल्टेज इन द सर्किट. क्या है कि इट इज, यहां लिख देता हूं, इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल रेंज ऑफ करंट और क्या है और वोल्टेज इन द सर्किट. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यदि आपको स्मॉल करंट मेजर करना है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, सर्किट में यूज कर दोगे और आसानी से क्या कर सकते हो इसका यूज करके मेजर. लेकिन लार्जर करंट और लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मेजर करना है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद क्या है दूसरा जो है, अब हम पढ़ेंगे कि यदि लार्जर करंट मेजर करना होगा तो इसको हम चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं इसमें, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एमीटर और वोल्ट मीटर पढ़ लें. तो दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, एमीटर. इट इज क्या है, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस. क्या है, इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure the current in the क्या होगा in the circuit. ठीक है, it is an electrical device which is used to measure the current in the circuit. इसका भी यूज क्या करते हैं, एमीटर का यूज हम करंट मेजर करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं. ठीक है, अब इसका सिंबल क्या है, देखो ध्यान से, सिंबल ऑफ जो एमीटर है इसका सिंबल क्या होगा, अब यहां लिख सकते हैं सिंबल ऑफ एमीटर. तो देखो एमीटर का जो सिंबल होगा ए स्टैंड फॉर एमीटर, यही क्या है एमीटर, इधर से करंट जो जाएगा यही क्या है एमीटर. ठीक है, क्या है एमीटर. अब क्या होगा कि जब भी क्या होगा, अब देखो आपको क्या करना है, यदि इफ यू वांट टू मेजर द करंट बाय यूजिंग एमीटर तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज जो एमीटर को क्या करते हैं सीरीज में कनेक्ट करते हैं. तो पहले कुछ पॉइंट लिखते हैं इसमें, है ना. अब देखो, टू मेजर द करंट इन द सर्किट, है ना, टू क्या होगा, टू मेजर द करंट इन द सर्किट, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. ये 10th क्लास में आप पढ़े हो कि करंट मेजर करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं. क्या है, हमेशा टू मेजर द सर्किट करंट इन द सर्किट, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट सीरीज इन द क्या होगा इन द सर्किट. हमेशा क्या करेंगे, यदि मुझे जिस सर्किट में, जिस वायर में, जिस रेजिस्टर के थ्रू करंट मेजर करना है उसमें हम क्या करेंगे, उसके सीरीज में हम क्या करेंगे, इसको एमीटर को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं. उसके बाद दूसरा जो यहाँ क्या है, दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि आइडियली इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर मस्ट बी क्या होगा, जीरो.
क्या होगा आइडियली आइडियली इंटरनल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द क्या होगा एमीटर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर ऑफ द एमीटर मस्ट बी जीरो ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकली इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ क्या होगा ऑफ द एमीटर मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। अभी आप देख सकते हो मैं बताता हूं आपको ठीक है। ये दो तीन चीजें क्या है पहला पॉइंट क्या है एमीटर का सिंबल आपको समझ में आया। एमीटर का क्या है कि टू मेजर द करंट इन द सर्किट एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। दूसरा क्या है आइडियली इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज सपोज टू बी जीरो एंड प्रैक्टिकली इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। क्या है एज स्मॉल एज पॉसिबल ठीक है। ये तीन क्या है पॉइंट आपको ध्यान में रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं फिर आपको समझ में आएगा कि हम जैसे देखो क्या है सिंपल एग्जांपल में ले रहा हूं और इससे आपको बता रहा हूं कि जो मैंने स्टेटमेंट दिया है ना वो कैसे ट्रू है। आप देखो यहां ध्यान से एक हमने क्या किया एक बैटरी आइडियल बैटरी ले लिया और इधर एक रेजिस्टेंस कंसीडर। अब मुझे क्या करना है इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने क्या मान लिया आर मान लिया है ना क्या माना हमने आर मान। अभी देखो तो अभी क्या है एक करंट क्या हो रहा है सप्लाई हो रहा है आई आई मुझे मेजर करना है। तो मैंने क्या बताया कि इफ यू वांट टू मेजर करंट इन द सर्किट आपको क्या करना है एमीटर को क्या करना है सर्किट में क्या करना है सीरीज में कनेक्ट कर देना है पैरेलल में नहीं क्या करना है सीरीज। यदि मुझे आर के थ्रू करंट फाइंड आउट करना है तो इसके सीरीज में कनेक्ट करेंगे पैरेलली नहीं कनेक्ट करेंगे। अब मुझे करंट क्या मेजर करना है अब हम क्या करेंगे जब सीरीज में यहाँ मान लो कि मैंने क्या किया एमीटर कनेक्ट कर दिया और इसका जो रेजिस्टेंस है हमने मान लिया क्या है आर ए ठीक है क्या है आर ए क्या होगा आर ए। तो जैसे ही इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो अब क्या होगा करंट देखो करंट क्या रेजिस्टेंस यही क्या होगा एमीटर हो गया यहाँ ए मान लो है ना इसका हमने यहाँ लिख दिया आर ए। आर ए का मतलब क्या हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब मान लो कि अभी मुझे यदि एमीटर को दो तरह से सोचेंगे एक तो आइडियल एमीटर जो आइडियल एमीटर होगा तो उसके द्वारा जो रीडिंग होगा वो क्या होता है एक्यूरेट रीडिंग होता है और नॉन आइडियल एमीटर होता है तो उसके द्वारा जो रीडिंग होगा वो क्या होगा थोड़ा एरर होगा। तो कितना परसेंट एरर होगा ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है ठीक है। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे अब देखो अभी क्या है हमने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिया तो यहाँ मान लो कि करंट क्या है आई जा रहा है ठीक है हमने क्या मान लिया आई या आई डैश मान लिया ठीक है। तो आई डैश कितना होगा देखो तो आई डैश कितना होगा अब देखो क्या है कैसे आप सोचोगे जब भी आपको रीडिंग मेजर करना है तो एमीटर को क्या करना है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या करना है रिप्लेस कर देना है। तो यहां मैं लिख देता हूं टू क्या होगा दो पॉइंट लिखता हूं टू मेजर द करेंट द रीडिंग है ना रीडिंग ऑफ एमीटर रिप्लेस इट बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस एंड मेजर द क्या होगा द करेंट थ्रू इट दिस इज नथिंग बट द क्या होगा दिस इज रीडिंग ऑफ क्या होगा एमीटर
यही क्या होगा, एमीटर का क्या होगा रीडिंग। अब देखो ये क्या होगा, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो क्या होगा, सिंपल एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे बाद में यहाँ देखो, तो अब हमने क्या किया, एमीटर को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो देखो यहाँ सर्किट ऐसे हो जाएगा, ये क्या हुआ आर ए, दिस इज आर, अब यही करंट क्या है आई फ्लो, आई डैस, यहाँ आप आई डैस लिख सकते हो, आई डैस, आई डैस इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन क्या हो जाएगा आर प्लस क्या होगा, ये क्या हुआ, अब देखो क्या है आर ए, आर प्लस क्या हुआ आर ए, अभी क्या हुआ, अब यदि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ही कम होगा, ट्रू रीडिंग क्या था, देखो ए क्या है एक्चुअल रीडिंग नहीं है, ये क्या है एक्चुअल रीडिंग नहीं है, इसको अपेरेंट रीडिंग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, अपेरेंट रीडिंग ऑफ एमीटर, अपेरेंट रीडिंग या इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ एमीटर, ठीक है, अपेरेंट रीडिंग ऑफ क्या हो गया एमीटर। अब ये क्या हुआ, यदि क्या होता आप देखो, तो हमने यदि आइडियल एमीटर होता, अब देखो मुझे करंट में कितना मेजर करना था आई, कितना मेजर करना था आई, अभी यहां करंट कितना मेजर हुआ आई डेस, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर आइडियल क्या होगा, फॉर क्या होगा, फॉर आइडियल। अब देखो क्या है, ऐसे सोचो कि जितना ही कम होगा उतना ही ये किधर होगा आई के, आई मीन आई डेस जो होगा स्मॉलर द वैल्यू ऑफ क्या होगा आर ए, ठीक है, क्या होगा स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आर ए, मोर क्लोजर टू द क्या होगा या मोर एक्यूरेट द रीडिंग ऑफ एमीटर। अब आर ए किसके रिस्पेक्ट में स्मॉलर होगा ये देखना है, तो देखो यहां मैं लिख सकता हूं आई डेस इक्वल टू क्या लिख सकता हूं ई अपॉन, देखो आर हमने क्या किया कॉमन लिख सकते, ठीक है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन आर ए अपॉन क्या होगा, समझ में आया आपको बात, यही क्या हुआ देखो, दिस इज नथिंग बट द आई, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा सॉरी आई डैश, दिस इज आई अपॉन क्या हुआ वन प्लस आर ए अपॉन क्या हो गया आर, आपको ये बात समझ में आई, दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ अपेरेंट रीडिंग और दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ एक्चुअल रीडिंग, अब आप देख सकते हो कि अपेरेंट रीडिंग और एक्चुअल रीडिंग क्या होगा, तभी होगा जब आर क्या हो जाए, यहां लिख सकते हैं कि यहां क्या होगा, यहां हम लिख सकते हैं नोट में एक पॉइंट क्या है, यहां लिख सकते हैं कि इफ क्या होगा, इफ आर इज मच मच स्मॉलर देन क्या होगा, आई मीन सॉरी यहां लिख सकते हैं आर ए इज क्या होगा मच मच स्मॉलर देन आर, देन क्या हो जाएगा आई डैश इज नियरली इक्वल टू क्या होगा, आई मीन अपेरेंट रीडिंग और एक्चुअल रीडिंग क्या होगा, इसलिए इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वालेकर वालेकर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, जितना छोटा हो सके उतना पॉजिटिव है। अब कभी कभी आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि परसेंटेज एरर कैसे निकाल सकते हो, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं एक्चुअल माइनस क्या होगा अपेरेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा एक्चुअल इनटू क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो आपको ये बात समझ में आई कि क्या है एमीटर का जो आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखो ये जीरो हो जाए तो डायल क्या हो जाएगा एक्चुअल और अपेरेंट रीडिंग क्या हो जाएगा एक्यूरेट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेट स्मॉलर द क्या होगा स्मॉलर स्मॉलर द क्या होगा रेसिस्टेंस आर ए क्या होगा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर मोर एक्यूरेट एक्यूरेट रीडिंग एंड क्या होगा एंड वाई से वर्सा, ठीक है क्या हो जाएगा मोर एक्यूरेट द रीडिंग एंड वाई से वर्सा। तो आपको क्या करना है देखो टू मेजर द क्या होगा रीडिंग ऑफ एन एमीटर रिप्लेस इट बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस और कंडक्टिंग वायर
एंड फाइंड द क्या होगा करंट एंड सो ऑन। यहाँ एक नोट में और पॉइंट लिख लेना कि इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट गिवेन देन कंसीडर इट इज टू बी जीरो। क्या होगा यहाँ नोट में लिख लेना कि नोट में लिख लेना इफ इंटरनल रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज नॉट गिवेन देन कंसीडर इट एज जीरो। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ हो तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जैसे देखो ध्यान से एक एग्जांपल देखो कि यहाँ एक एमीटर ए वन है, यहाँ ए ए देखो एक है ए टू है ना, और ए एमीटर क्या है ऐसे दिया हुआ। यहाँ मान लो कि ये क्या है 4 ओम और ये क्या है 8 ओम रेजिस्टर्स है और ये 10 ओम या 8 और 16 मान। ठीक है, इधर से जो करंट जा रहा है वो क्या है I इक्वल टू चलो हम 10 एम्पियर मान लेते हैं। क्या है 10 एम्पियर। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द रीडिंग शोन बाई एमीटर ए वन ए टू एंड ए थ्री। देखो ध्यान से अब कैसे सोचेंगे, एक प्रॉब्लम समझना है और उसके बाद क्या करना है आसानी से, तो आपको क्या करना है फाइंड, यहां लिख देता हूं फाइंड रीडिंग शोन बाय ए वन ए टू एंड क्या होगा ए थ्री रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। शोन इन द क्या होगा इन द, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। अब देखो ध्यान से क्या करना है, रिप्लेस एन ऑल एमीटर बाय क्या होगा इट्स इंटरनल देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। पहला स्टेप क्या है, देखो स्टेप मैं दो पॉइंट लिखता हूं फिर से देख लो ध्यान से, रिप्लेस स्टेप क्या होगा फर्स्ट रिप्लेस ऑल एमीटर बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस replace all ammeter by their internal resistance if there is internal resistance otherwise replace by conducting wire। सिंपल क्या करना है बाय कंडक्टिंग वायर। ठीक है, क्या करना है बाय कंडक्टिंग वायर। तो अब हमने क्या किया देखो मेथड वाइज, अब स्टेप हमने ड्रॉ कर दिया, तो हमने क्या करेंगे देखो यहां इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो ये कौन सा एमीटर है आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर का मतलब क्या होगा, आइडियल एमीटर का मतलब क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा जीरो होगा, क्या होगा जीरो होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम क्या करेंगे इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे जीरो रेजिस्टेंस से क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, कंडक्टिंग वायर से हमने क्या किया सिंपल रिप्लेस कर दिया। यही क्या हो गया तुम्हारा 10 एम्पियर। इधर क्या है आई वन मान लो, ये क्या है आई टू मैंने मान लिया और इधर करंट क्या है आई थ्री। अब यहां क्या होगा आई वन और आई टू जो होगा वो क्या होगा देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया है ना, अब ये क्या दिया हुआ है तुमको 8 ओम दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है 10 16 ओम। ठीक है, अब क्या होगा रीडिंग देखो यहां से इस
इस वायर के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है? 10 एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं कि रीडिंग ऑफ एमीटर E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, जितना क्या करना है कि एमीटर को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो और उस रेजिस्टेंस के थ्रू जितना करंट फ्लो हो रहा है वही क्या होगा, एमीटर का क्या होगा, रीडिंग होगा। उसी तरह क्या होगा I2, हम लिख सकते हैं I2 इज द क्या होगा, इज द रीडिंग ऑफ एमीटर E2। और I2 इक्वल टू क्या होगा, आपको मालूम है कि I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता सकते हो? I2 इक्वल टू बता सकते हो कि कितना करंट होगा? देखो कितना करंट जाएगा बता सकते हो, I2 के द्वारा जो करंट होगा वो कितना फ्लो होगा? अरे यहां से 10 ओम आ रहा है, इधर से क्या होगा, ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा यार। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ इसको यदि हम पैरेलल में कंसीडर कर लें, क्या कर लें, पैरेलल में हम कंसीडर कर लें, तो I2 इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 अपॉन क्या हो जाएगा, 24 इंटू क्या होगा, 10। अब आप बोलोगे सर इधर सर्किट नहीं है, करंट ऐसे दिया हुआ है यार, मान लो तो हमने क्या किया, इसको पैरेलल में कंसीडर कर लिया। ठीक है, आपको लग रहा है तो आप उसको क्या करना, आप बोलोगे सर इधर करंट कहाँ जा रहा है, तो जा रहा होगा, किधरों करंट जा रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 16 अपॉन क्या करेंगे, 24। हमने ये मान लिया कि क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 16 अपॉन 24 इंटू क्या हुआ, 10, यही होगा ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 20 एम्पियर, 20/3 एम्पियर करंट। उसी तरह एमीटर 3 के द्वारा जो रीडिंग होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से, रीडिंग ऑफ एमीटर K3 इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू I3। और I3 हम लिख सकते हैं क्या होगा, I3 इक्वल टू क्या होगा, देखो I3 इक्वल टू क्या होगा, I इंटू 8 अपॉन क्या होगा, 24। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10/3, I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.11 नियरली। तो ये क्या हुआ, रीडिंग हो गया, यहाँ पैरेलल कंसीडर कर लेना तुमको कंफ्यूजन होगा तो। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, एमीटर के द्वारा रीडिंग मेजर करते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देख लो कि आपको समझ में आ जाए कि हम एमीटर के द्वारा रीडिंग कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है HC वर्मा का, उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे दिया हुआ है, कि यहां देखो ये क्या दिया हुआ है ना, यहां कि यहां मान लो कि कितना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर कितना, 10, चलो 10, यहां 5 है ना, ये यहां भी क्या है, 10, यहां 5 ओम, ये 10 ओम है। ठीक है, और यहाँ एक रजिस्टर दिया हुआ है, यहाँ से एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है ना, क्या है, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है ना, क्या है, कनेक्ट किया गया है, इधर गया, ओ ठीक है, ये बैटरी जो है वो 6 वोल्ट का है और यही क्या है, एमीटर है, AR। आपसे ये पूछा गया है
कि पहले ये देखो कि पहले तो ये सोचो कि ये ध्यान से देखना ये क्या हुआ। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा, पहले तो मैं ये क्वेश्चन ले, इसमें ये पूछा गया है, इसमें एचसी वर्मा में कितना नंबर क्वेश्चन है ये मैं आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 40 है ना, क्वेश्चन नंबर 40 इसमें पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर सो दैट द रीडिंग शोन बाय द एमीटर विल बी जीरो। क्या दिया हुआ है, व्हाट या फॉर व्हाट वैल्यू है ना, फॉर व्हाट व्हाट वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, रीडिंग ऑफ एमीटर ऑफ एमीटर विल बी क्या होगा, विल बी R के किस वैल्यू के लिए, आई मीन R का क्या वैल्यू रखा जाए कि यहाँ जो एमीटर के द्वारा रीडिंग जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो पहले क्या मैंने बताया था कि एमीटर को क्या करो, देखो ये कौन सा इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ये कौन सा एमीटर है, आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर, और आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से आप देखोगे तो ये क्या है, बैलेंस वीटेस्ट ऑन ब्रिज, क्या है बैलेंस वीटेस्ट ऑन ब्रिज, या सर्किट जो है क्या है इसके, क्या है सिमेट्रिकल है, ये कौन सा सिमेट्री है, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री से भी हम सोच सकते हैं, कल ही बताया था परपेंडिकुलर और मिरर सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ क्या है सिमेट्री और मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। इसका मतलब क्या है कि इस पे जो जो भी पॉइंट है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो जाए, आई मीन ए वाला जो पॉइंट, ए पॉइंट और ए पॉइंट क्या हो जाएगा बी है, तो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। एक तो बाई सिमेट्री से भी बोल सकते हो और बाई यूजिंग बैलेंस वीटेस्ट ऑन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। देखो ये क्या हुआ आर वन, ये क्या हो गया R2, this is R4 और this is R3। तो देखो तो यहाँ R1, R1, R4 equal to क्या है R2, R3 है, तो ब्रिज जो हुआ वो क्या हो गया बैलेंस हो गया, क्या हो गया बैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका जो वैल्यू है वो क्या है, इसको हम क्या करेंगे सर्किट से निकाल के बाहर फेंक देंगे, आई मीन इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ R, द करंट थ्रू current measured by the emitter or reading shown by the emitter will never be zero. आप R का कोई भी value consider कर लो तो emitter के द्वारा जो reading होगा वो कभी zero नहीं हो सकता है। समझ में आई आपको बात, क्यों, क्योंकि ये क्या है balance wheatstone stone bridge का condition है, तो इसलिए current flowing in the circuit will be क्या होगा independent of the value of the R. Therefore for any value of R the current measured by the emitter will never be zero. ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा, ये आपको समझ में आया कि दो तरह से हम सोच सकते हैं, एक तो मिरर सिमेट्री या परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी हम क्या कर सकते हैं सोच सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं कि नोट में क्या है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ क्या होगा, फॉर क्या होगा, फॉर एनी वैल्यू वैल्यू ऑफ आर करेंट करेंट मेजर्ड बाय एमीटर एमीटर विल बी नॉट जीरो। किसी भी आर के किसी वैल्यू के लिए एमीटर के द्वारा रीडिंग जो होगा वो क्या होगा जीरो, आई मीन एमीटर के द्वारा जो मेजर्ड रीडिंग होगा वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, आई मीन आर से क्या होगा इनडिपेंडेंट हो जाएगा। अब तो यार आसानी से बता सकते हो, देखो ये क्या हुआ, अब मैंने ये बताया कि इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, देखो ये सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा 15 ओम, ये भी क्या होगा 15 ओम है ना, और मैंने बताया था कि एमीटर को क्या करना है इंटरनल रेसिस्टेंस से क्या करना है रिप्लेस कर देना है, तो यहाँ जो एमीटर के द्वारा जो रीडिंग होगा वो क्या होगा आई होगा क्या, तो ये कितना है 6 वोल्ट है, तो लिख सकते हैं रीडिंग रीडिंग ऑफ एमीटर
एमीटर इज आई, ठीक है। ये एमीटर के रीडिंग हो गया, अब आई का वैल्यू आप आसानी से निकाल लो यार। देखो तो पैरेलल में हो गया, एक और इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज लाइक दिस, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15/2 ओम, और दिस इज नथिंग बट द क्या हो जाएगा 6 वोल्ट, यही आई हो गया, दिस इज आई, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/15 × 2, क्या हो जाएगा 5, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5, 0.8, यही क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो यहाँ ये कितना क्वेश्चन है 40, ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.8 एम्पियर, और इसमें आर के थ्रू क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द आर क्या हो जाएगा, क्या होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द आर जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा करंट फ्लोइंग थ्रू द आर विल बी क्या होगा 0। तो यहां ये भी लिख लेना कि करंट फ्लोइंग थ्रू आर विल बी क्या होगा 0 फॉर एनी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ एमीटर के द्वारा रीडिंग भी हमने मेजर कर लिया, और आर के किसी वैल्यू के लिए करंट फ्लोइंग थ्रू द क्या होगा आर विल बी ऑलवेज 0, क्योंकि वो क्या आ रहा है दोनों ईपी पोटेंशियल पॉइंट हो जा रहा है, ठीक है। तो आप इस पे बेस्ड है जो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं उसको आप ट्राई कर लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, देखो यहां क्वेश्चन नंबर क्या है 42, एचसीबी का क्वेश्चन नंबर क्या है 42, देखो 10 10 10 है ना। तो यहां ये 10 ओम है ना, ये कितना है आई थिंक 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये आई थिंक 50 ओम, दिस इज 50 ओम है ना, 50 ओम है ना, इधर क्या, ठीक है। और इसको क्या किया गया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है एमीटर के थ्रू। अगेन देखो ये 6 वोल्ट है, अगेन आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रीडिंग शोन बाय द क्या होगा एमीटर, क्या होगा फाइंड द रीडिंग शोन बाय द एमीटर। तो यहां मैं लिख देता हूं, देखो ये क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है एच सी वर्मा का, और ये दिया हुआ है फाइंड द करंट मेजर बाय द एमीटर, यहां भी लिख लेना फाइंड करंट मेजर्ड बाय द एमीटर एज शोन इन द सर्किट, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखना इसको क्या कर सकते हैं, अगेन क्या है, कौन सा एमीटर है यार, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो एमीटर क्या होगा आइडियल होगा। तो यहां से करंट ऐसे आई जा रहा है, तो ऑब्वियसली इधर से भी करंट क्या होगा आई आएगा, तो पहले तो यहां लिख दूं कि रीडिंग ऑफ एमीटर क्या होगा आई होगा, यहां मैं लिख देता हूं रीडिंग ऑफ क्या होगा एमीटर इज क्या होगा आई, ठीक है। और एमीटर कैसा है, एमीटर आइडियल है। अब देखो ध्यान से, ये 50 ओम और ये 50 ओम रेजिस्टर का कोई काम नहीं है,
क्यों? क्योंकि देखो 10 × 10 और 10 × 10 तो ये क्या हो जाएगा, कलश हो जाएगा। I mean, सर्किट से इसको निकाल के फेंक देंगे आप। अगेन देखोगे तो ये क्या है, ये एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज है। क्या है? एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो ये क्या होगा, ये वाला और ये भी 50 ओम रेजिस्टेंस जो होगा इसका कोई काम नहीं है, यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं है, है ना। तो अब क्या होगा, देखो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, देखो ये क्या हुआ, ये पैरेलल में हो गया, ये भी पैरेलल में हो गया। तो ये समझ में आई बात कि देखो ये 10 × 10 और 10 × 10 क्या हुआ, 100। तो ये वाला जो है क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट, यदि मैं P मान लूं और ये Q मान लूं और यहाँ R मान लूं और क्या मान लूं, S मान लूं, तो हम बोल सकते हैं कि बाईसेमेट्री पोटेंशियल ऑफ P एंड Q इज सेम एंड R एंड S क्या होगा, सेम होगा। इसलिए हमने क्या किया है कि ऐसे आप रख दो, है ना, सर्किट से क्या करेंगे, इसको बाहर फेंक देंगे। इवन यहाँ 50 भी नहीं होता, 100,000 कुछ भी होता, तो एमीटर के रीडिंग पे क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ बाईसेमेट्री, क्या बोल सकते हैं, बाईसेमेट्री वीपी इज इक्वल टू क्या होगा, वी क्यू, एंड क्या हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी एस। अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर फेंक देंगे। अब तो आप सर्किट आसानी से क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, रीड्रॉ कर सकते हो। सर्किट रीड्रॉ करोगे तो क्या होगा, देखो ये तीनों क्या है, सीरीज में है, ये भी तीनों सीरीज में है, तो हम सर्किट को क्या करेंगे, रीड्रॉ कर देंगे। ये 10 × 10 क्या हो जाएगा, 30 ओम, ये भी क्या हुआ, 30 ओम, है ना। और इधर और एमीटर को क्या करना है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो एमीटर क्या है, आइडियल एमीटर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे, आइडियल एमीटर मानेंगे। तो यही क्या हुआ, करंट आई, दिस इज आई। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 30 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 15, ठीक है। और ये कितना हुआ, ये 6 वोल्ट दिया हुआ है यार, 6 वोल्ट I, तो I इक्वल टू आप आसानी से क्या कर सकते हो, तो I इक्वल टू कितना होगा बता सकते हो आप, I इक्वल टू कितना होगा, देखो तो यहाँ I इक्वल टू लिख सकते हैं 6 अपॉन कितना होगा 15, आई मीन कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर क्या हो जाएगा, रीडिंग। तो कुछ नहीं करना है, एमीटर का जो रीडिंग है वो कैसे, सिंपल क्या करना है, सर्किट में जो भी क्या है, सर्किट दिया हुआ है, उसको सिंपल क्या करना है, उस सर्किट में एमीटर को इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, यदि उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, नहीं तो क्या करना है, कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करना है, और जो उसके थ्रू करंट फ्लो होगा वही क्या होगा, करंट शोन बाय द क्या होगा, एमीटर, और रीडिंग शोन बाय द क्या होगा, एमीटर होगा, ठीक है। आज के क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, फिर उसके बाद वोल्टमीटर पढ़ेंगे, हाउ टू यूज गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टमीटर। ओके, थैंक यू।